यारों जी भर के जील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझ कल बुलाएगा। है जुनून, है जुनून सा जीने में, है जुनून, है जुनून सा सीने में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की सुबह हमारी है हमारे ससुराल में। आपने देखा ही था, कल मैं अपने साले के साथ आ गया था और वो आए थे बम्बई से फ्लाइट से, तो वो पिलानी रुके, पिलानी से हम दोनों साथ में आ चुके थे। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ ओनिक का, ओनिक उठ जाए तो ओनिक से मिल लूँ अभी और आप लोगों को भी मिला दूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं ओनिक के पास मिलने आया हूँ और आपको मैं पहले बाड़ी दिखाता हूँ। आज कितनी बढ़िया बाड़ी, कितना बढ़िया गार्डन। कुछ गार्डन तो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन जैसा भी है सुंदर है, लेकिन बाड़ी बहुत अच्छी लगा रखे। तो ये देखो भाई दोस्तों, ये है हमारी घर की बाड़ी। ये तो छोटा सा गार्डन लगा रखा है यहाँ पे, देखो। तो ये क्या, पेड़ पौधे, जैसे शौक होता है ना गार्डनिंग का, जैसे पेड़ पौधे लगाने का जैसे शौक होता है, वो हम लोग ये पूरे कर लेते हैं। पापा जी वगैरह अपना टाइम पास कर लेते हैं, बच्चे वगैरह। और उधर पापा जी लगे हुए गुवार की फली तोड़ने भाई। और ये देखो पूरी सब्जी लगा रखी है। थोड़ा क्लोज से लेके चलता हूँ और पूरा दिखाता हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त फलियाँ लग रही है। सब ऑर्गेनिक, मतलब मेहनत खूब करते हैं। और ये वाला गुवार का पेड़ देखो, इसके कितनी ज़बरदस्त फली लगी है भाई। एक पेड़ के इतनी फली लगी है, एक पेड़ के तोड़ के ही पूरी सब्जी बन जाएगी। इसमें ना योग का प्रयोग करते हैं, इसलिए हाँ यहाँ पे खेती पे हम लोग भाई योग का प्रयोग करते हैं। पापा जी पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं तब जाके इतनी सब्जी लगा पाते हैं। देखो सबसे बड़ी बढ़िया चीज दिखाता हूँ आपको, देखो गन्ना। ये हमारे सारी सब्जी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं ये, और ये है गन्ना। योग का प्रयोग है, हाँ ये गन्ना, गन्ना बहुत अच्छा लगा है। देखो ये देखो गन्ना लगा है, कितना बढ़िया। एक ही पेड़ के नीचे देखो भाई कितने सारे लगे हैं, कम से कम भी तीन तीन छः सात नौ पेड़ लगे हैं। देखो किसी के चार हैं, किसी के ये देखो एक के नीचे कितने गुच्छे लगे हैं, कम से कम भी दस। रोपाई करते हैं ना, कितना सा दबाते हैं इतना? हाँ छोटी सी टहनी लगाते हैं और इतने सारे हो जाते हैं एक ही। इतने एक कली लगाते हैं, एक कली के देखो आठ आठ दस दस पेड़ लग जाते हैं नीचे। ये किसका पेड़ है? खरिंटी। खरिंटी? हाँ खरिंटी। खरिंटी, हाँ खरिंटी होती है, ये दवा होती है, इसके बीज देखो काले काले बीज निकलते हैं। तो देखो खरिंटी लगा रखे भाई, देखो इसके बीज दर्द में ना, दर्द में इसके लड्डू बनाए खाते हैं। अच्छा खरिंटी के लड्डू बनते हैं? हाँ वो खरिंटी और है ना, इसके लड्डुओं से दवाई बनाई जाती है। तो आज आपको मैं ना पूरी बाड़ी दिखाता हूँ और भी कुछ, देखो क्या क्या लगा हुआ है। एक अमरूद का पेड़ दिखाता हूँ भाई, काफी जबरदस्त अमरूद लगा रखे हैं। अमरूद के पेड़ के देखो, छोटे से पेड़ के कितने अमरूद लगे हैं देखो। ये सब योग के प्रयोग द्वारा ना सारा कितने अमरूद लगे हैं, कितने ये देखो, मतलब सबसे बढ़िया अमरूद है ये। और इसके काफी बड़े बड़े अमरूद लगते हैं इसके, तो अभी तो छोटा है, अगले साल से बढ़िया लग जाएंगे। एक साल का गैप चाहिए बस, और नेक्स्ट ईयर बढ़िया अमरूद लगने स्टार्ट हो जाएंगे इसके। ये गुवार की फली ना फरवरी से इसकी खा रहे हैं, देख लो। अच्छा देखो ये भाई देखो, तीन पेड़ लगे हुए हैं ना, ये फरवरी से बड़े बड़े पेड़ हैं और इतने बड़े हैं कि फरवरी से फलियां दे रहे हैं। देख लो कितने महीने हो गए हैं, छह महीने से इनकी सब्जी बना के खा रहे हैं, उस टाइम ही लगाई थी ये देख लो। और ये इधर तो पूरी दूर में देखो क्या लगा रखा है, शक्करकंदी, अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल, हाँ ये पपीता है, ये अंगूर की बेल है, ये संतरे का पेड़ है वो का। और ये देखो ये भिंडी की, भिंडी की तो फसल हो गई इनकी, भिंडी तो खा ली हमने खूब। और ये इधर मिर्ची लगी है देखो, छोटी छोटी वाली मिर्ची है, हरी काफी लगी है अभी। तो ये पूरी सब्जी भाई घर में लगाते हैं हम लोग देखो।
तो आज को मैंने पूरी घर की बाड़ी दिखा दी है, काफी बढ़िया पेड़ लगा रखे हैं, मतलब सब्जी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। गन्ने भी घर के हैं, हरी मिर्ची भी घर की है, ग्वार की फलियां हैं, या खेत में लगने वाली सब सब्जियां घर पे लगा रखी है। बैंगन बैंगन देखो ये, और एक और चीज दिखाऊं ना, देखो चुलाई की फली, देखो ये है देसी चुलाई, ये भी हमने पूरे यहाँ पे लगा रखी है। ये तो अपने आप ही लग जाती है, लेकिन ये मिलती बहुत कम है ऐसे, बहुत इसकी इसकी तो आजकल मतलब जो नस्ल है ना वही खत्म हो गई है, बस कहीं कहीं बची हुई है। क्या बता रहे हो? ये चुलाई है। हाँ यही मैं दिखा रहा था, ये देसी चुलाई। कीड़े थोड़े से कीड़े लगे, हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन इसके अंदर होते हैं, प्रोटीन। हाँ ये मतलब भोजन पचाने में भी सबसे बढ़िया रहती है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए इसकी दवाई के रूप में लिया जाता है इसको। तो भाई एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो है गन्ने का खेत। मेरी काफी दिनों से ऐसी ख्वाहिश थी कभी गन्ने के खेत में मैं भी जाऊं, लेकिन गन्ने का बड़ा खेत तो नहीं है आस पास में, लेकिन ये देखो ऐसी ही फीलिंग आ रही है जैसे गन्ने के खेत में आया हूँ। इसी तरह से गन्ने के खेत होते हैं भाई, मस्त मजा आ रहा है यहाँ पे देखो। बस अभी गन्ना खा नहीं सकते, तैयार होगा लेट गन्ना, अभी दिसंबर में जाके रेडी होगा ये, थोड़ा टाइम लगता गन्ने में। तो भाई गन्ने के खेत से निकलते हैं बाहर। तो मैंने आपको पूरी हमारे घर की देखो इधर की बाड़ी दिखा दी ससुराल की। तो ये है मेरा ससुराल और ये है यहाँ का बगीचा। तो ओनिक को देखने के लिए फिलहाल हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये है हमारा ओनिक। ओनिक आओ चले, ओनिक मेरे पास आएगा। देखो ये मेरे पास बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर रहा जैसे अनजान हूं मैं और काफी दिनों बाद मिला हूं, लेकिन फिर भी ओनिक मेरे पास आ गया है। ओनिक हम घूम के आ रहे हैं, टिक 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 टिक। मेरे साथ चलेगा क्या ओनिक? चलेगा चलेगा क्या? टिकू टिकू चलेगा मेरे साथ घर पे? वो नाना जी क्या कर रहे हैं? देख वो नाना जी क्या कर रहे हैं? टिकू टिकू तो कैमरे में ऐसे देख रहा है, मेरी फोटो आ रही है कैमरे, मेरी फोटो आ रही है कैमरे में। ओनिक ओनिक अपनी शक्ल देख के हंस रहा है, मैं कैमरे में मैं आ रहा हूँ, मेरा वीडियो बन रहा है और मैं हंस रहा हूँ, है ना? ये अभी शर्मा रहा है आप लोगों से, इसको पता चल गया इसे आप लोग देख रहे हो तो ओनिक शर्मा रहा है, जिसे शर्मा रहा है। तो बोल दो ओनिक कि आज का वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को अभी स्कूटी लेके वापस जाना है ना? तो हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बोलो 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 बोलो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय 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 बाय। टिक 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 टिक। नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा ना।